गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. विल जस्ट वेट फॉर द स्टूडेंट्स टू जॉइन. ओके सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. रिशांत कीप योर कैमरा ऑन. वील जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू जॉइन एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर. Good morning, Vaibhav. Please turn on your cameras. Good morning, ma'am. Vaibhav. Abhishek, your camera went off again. Good morning, sir. Good morning. Okay. So the others will join as we proceed. We will get started now. Okay. So let's discuss this question on the coordinate geometry now. Okay. So this question, I was very surprised that very few people actually attempted, and whoever attempted almost couldn't get it right. Okay, so कैसे होगा ये question? How do you think? जो approach क्या है question का? See, let there be a plane that is determined by three non-collinear points. ठीक है? So this is a three-point form of the equation. Okay, of a plane, right? Agree? This is the three-point form of the plane. A line passing through two points. This is the two-point form of the line. Abhishek, beta, mute कीजिए. Abhishek, mute कीजिए बेटा आप. Yes, ma'am. Mute कीजिए. मैं अभी कर रही हूँ. Okay. और इन दोनों का हमें intersection point निकालना है, right? तो straightforward question है. Intersection point किन्हीं भी दो चीजों का कैसे निकालते हैं? What is the meaning of intersection point? जहां पे दो चीज कट करती हैं, right? Right? Yes, sir. तो कोई चीज दो कोई भी coordinate geometry में दो चीजें हैं, चाहे line हो, चाहे plane हो, चाहे कोई भी दो चीजें हैं, ठीक है? वो एक दूसरे को कट कर रही हैं. ठीक है. फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं कि दो लाइंस हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं. ओके, जस्ट अंजलि कैमरा ऑन कीजिए बेटा. दो लाइंस हैं. अंजलि, अंजलि प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. ओके, दो लाइंस हैं, एल वन एंड एल टू, राइट? ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, मान लीजिए. तो हाउ डू वी फाइंड दिस
where they intersect. सर L1 की सर इक्वेशन L2 में पुट कर देंगे. हाँ मतलब दोनों को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं. एक बार इस चीज को समझ लीजिए कि क्यों हम ऐसा करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को, मतलब आपने कहा इसकी इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली, है ना. साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक ही साथ, है ना, टुगेदर एट द सेम टाइम. क्यों हम ऐसा करते हैं, कैन यू टेल मी दैट. क्योंकि वो क्लियर होगा तो ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत आसान होंगे. क्यों हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के लिए. हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्यों, उससे इंटरसेक्शन पॉइंट क्यों निकलता है. देखिए यहां पे मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे. यहाँ पे एक पॉइंट है वो किस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, L1 को या L2 को. सर एक मिनट, वैभव हाँ. बेटा आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या आपके नेटवर्क में, इतना तो नहीं होता जितना आपके साथ हो रहा है, कैमरा बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ इतना तेजी से, तो नेटवर्क में भी प्रॉब्लम नहीं होती. आप इसे मोबाइल को अपना एक जगह क्यों नहीं रखते, अनम्यूट करके बताइए बेटा, मुझे समझ में नहीं आया आपने म्यूट करके बोला है. अनम्यूट करके बताइए बेटा. वैभव अभी भी सर इसे मेरी बात समझ में नहीं आती, आप समझा. वैभव अभी भी म्यूट पे ही हो, ठीक है, पहले अनम्यूट करिए बेटा अपने को, फिर बोलिए. मेरे ख्याल से ही विल रीज्वाइन, कुछ उसका मेरे ख्याल से फोन में प्रॉब्लम है. फिर यूजुअली वैभव इज देयर विद हिज वीडियो ऑन यूजुअली. वैभव भी और अंजलि भी सर. मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैम नेट नहीं आ रहा है यहाँ पर. वैभव अनम्यूट करिए अब अपने को. सर नेटवर्क प्रॉब्लम है. अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ. हाँ ओके ठीक है. हाँ अब ओके बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट है वो किस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, L1 या L2. ये पॉइंट L2. इसी पॉइंट को अगर मैं L1 में भी डालूं इसके कोऑर्डिनेट्स तो क्या सेटिस्फाई होंगे, नहीं होंगे, राइट. इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट्स जो उसको सेटिस्फाई करें. लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है ये किस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बोथ, दोनों को करेगा, राइट. तो जो चीज दोनों को सेटिस्फाई करे मतलब वो साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय पे दोनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. ओके तो इसी तरीके से इस तरह के सारे क्वेश्चंस होते हैं कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम कॉमन पॉइंट निकालते हैं, ठीक है. तो अब विद दैट इंफॉर्मेशन लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके तो इसमें हमारे पास कौन से दो शेप्स हैं, हमारे पास एक प्लेन है और एक हमारे पास लाइन है. तो सबसे पहले हम दोनों की इक्वेशंस लिख लेते हैं. लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, लाइन है ये दो पॉइंट्स. तो लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस किसी भी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं, मान लीजिए सेकंड पॉइंट को ले लेते हैं, एक्स माइनस 5 और नीचे सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2, राइट. 7 माइनस 5 इज 2 इज इक्वल टू देन वाई माइनस, बट माइनस माइनस 1 इज प्लस 1 बाय 2, माइनस माइनस 1 इज 3. ओके एंड देन जेड माइनस 5 बाय 8 minus 5 which is 3, ठीक है.
और क्योंकि हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, ये टू पार्ट इक्वेशन होती है, तो इसको करने का एक ही तरीका होता है कि हम लैम्डा लगा के रख लें और देन वी कैन राइट द एक्स कोऑर्डिनेट्स इन वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स इन टर्म ऑफ लैम्डा, व्हिच विल बिकम एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 5, वाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 एंड जेड इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 5, ठीक है ना। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। अब उसी तरह से हम प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं, थ्री पॉइंट फॉर्म ऑफ द प्लेन, ठीक है। वी कैन टेक एनी ऑफ द पॉइंट्स, वी कैन टेक द फर्स्ट पॉइंट हियर, सो वी कैन से एक्स माइनस माइनस 2 व्हिच इज एक्स प्लस 2, वाई माइनस 3 एंड जेड माइनस जेड माइनस 4, ठीक है। और बाकी पॉइंट्स को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो कहाँ है, वी विल लेट्स डू दिस, ओके, वी विल डू दिस माइनस दिस, ओके। So minus 1, 0 and 2, okay, so C minus B कर लिया। और एक और subtraction ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कौन सा लेंगे आप? C minus A ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 minus minus 2 is 2, 2 minus 3 is minus 1 and 5 minus 4 is 1, राइट, इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई, तो बस इसको एक्सपेंड करके एक बार इक्वेशन पूरी ठीक से लिख लेते हैं। माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 प्लस जेड माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ओके, it's equal to 0, और ये हमारी बन जाएगी equation 2x plus 4 plus 5y minus 15 plus z minus 4 is equal to 0, and it will become 2x plus 5y plus z minus 15 is equal to 0, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन हो गई। इनको दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो ये जो वैल्यूज हैं लैम्डा की फॉर्म में, इनको यहां रख देंगे बस, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज हैं इनको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा जस्ट, ओके। एंड आफ्टर वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, वी कैन पुट इट इन एक्स वाई जेड टू गेट द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स का, ठीक है। समहाउ बहुत कम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया, चॉइस में था, और जिन्होंने भी किया मोस्ट पीपल डिडंट गेट इट, वेरी वन और टू पीपल गॉट इट राइट, ओके। तो कम से कम इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, ये बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत आते हैं इस तरह के, राइट। So let's just go ahead and do this one. Okay, so we x ki jagah lambda ki value likhenge, 2 lambda plus 5 plus 5, 3 lambda minus 1 plus z ki jagah z is simply, so 3 lambda plus 5 minus 4 is equal to 0, minus 15, sorry. Minus 15 is equal to 0. Okay, so we will get 4 lambda plus 10 plus 15 lambda minus 5 plus 3 lambda plus 5 minus 15 is equal to 0. So 4, 19, 20. So what will we get? 22 lambda and 10 minus 5 plus 5, 10. Minus 5, so I can take the 5 on this side. So lambda is equal to 5 by 22.
ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स में डालिए, ये क्या आ गया 5/11 + 5, ओके, विच इज 60/11 एंड 15/22 - 1 = -7/22 एंड जेड में डालते हैं 15/22 + 5 = 110 + 15 = 125/22 ये आंसर है, ओके। सो दिस इज अ वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस होते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू वन मोर सच क्वेश्चन, जो इसमें चॉइस में था क्वेश्चन, एक्चुअली मोस्ट पीपल अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, ओके, बट अनफॉर्चुनेटली डिडंट डू इट राइट, ओके। सो डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट, गिवन पॉइंट ऑन टू अ प्लेन गिवन बाय इक्वेशन दिस, देन डिटरमिन द डिस्टेंस, ये तो इजी पार्ट है, ओके, दिस इज इजी, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन होता है, लेकिन वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार पॉइंट आ जाएगा ना हमारा, तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट आ गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, वो सबसे आसान है, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है पॉइंट, तो एक हमारे पास प्लेन है और एक पॉइंट है, इस पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो पॉइंट आया ये हमें ढूंढना है, ये प्लेन है हमारा पाए, और ये जो पॉइंट है ये हमारा एक्स है, इसको ढूंढना है, ठीक है। तो किस तरह करेंगे हम इसको, ठीक है, तो जो ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये भी तो नॉर्मल है, तो इस नॉर्मल के डीआरस क्या हैं, नॉर्मल्स डीआरस, डीआर इज डायरेक्शन रेशियोज, क्या है, प्लेन से पढ़ के बताइए क्या है डायरेक्शन रेशियोज, स्ट्रेट पढ़ सकते हैं इस फॉर्म में, राइट, 4, 5 and 3 आर द डायरेक्शन रेशियोज, और जो नॉर्मल लाइन है किस पॉइंट से जा रही है, 2, 3 and 6 से, तो अब हमारे पास लाइन की इक्वेशन है जिसमें हमारे को लाइन के डीआरस पता है और एक पॉइंट पता है, तो ऐसी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो लाइन क्या हो गई हमारी, एक्स माइनस द पॉइंट बाय द डीआर इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाय द डीआर एंड जेड माइनस 6 बाय द डीआर इज इक्वल टू लैम्डा, ओके, and we will get x is equal to 4 λ + 2, y is equal to 5 λ + 3 and z is equal to 3 λ + 6, ठीक है ना, ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन पहले से पता है हमें, ये लाइन और इस प्लेन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो लेट्स पुट दिस इन दिस इक्वेशन, सो 4 × 4λ + 2 + 5 × 5λ + 3 + 3 × 3λ + 6 - 10 is equal to 0. ओके, तो 16λ + 8 + 25λ + 15 + 9λ + 18 - 10 = 0, सो दिस इज व्हाट 31 + 40 + 51 + 50λ + 31 + 50 + 31 = 0 implies λ = -31/50,
ओके सो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आ गया हमें अब बताइए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या आया जहां पे लैम्डा की वैल्यू ये है यहां डाल दीजिए क्या आएगा ओके सो ये गया 20 प्लस 2 राइट प्लस 100 सो 31 इनटू 4 व्हाट इज 124 माइनस 100 सो माइनस 24 ओके सो माइनस 24 बाय 50 एंड y इज 5 लैम्डा व्हिच इज 155 प्लस 51 माइनस 1 minus 1 by 50 and this will be 155 plus 6 okay. And okay, so this will be 207 So, ये हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया राइट अंडरस्टूड अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताइए How will we find the distance between the two points now? Sir, root mein x2 minus x1 plus y2 minus y1. Haan. Right? So, let's do that. Is point ke beech mein aur is point ke beech mein distance nikalna hai hame. Right? So, we will do this minus this. So, let's do that. So 2 माइनस किया तो क्या हो गया प्लस हो गया प्लस 24 बाय 50 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 200 Right? Now what is that? This is 124 by 50 whole square plus 151 by 50 whole square plus 300 minus 207 is 9. Okay. What will this be? 31 and 31 and just a second. Yeah, so it will be 153.
Is equal to 4.3. Okay. Let's do the next question. Now, this question actually is a very, very easy question. मुझे लगा कि आप खुद ही ऑन कर लोगे. मैं सर को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप करते ही नहीं हो बेटा. अभय, हाँ अभय, एक बात बताइए, आपने एक क्वेश्चन भी पूछा है ना मुझसे आज सुबह. आई सॉ योर मैसेज जस्ट नाउ. हाँ, क्या डाउट है बेटा आपको? मुझे वो समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन कि हाउ विल वी सॉल्व द ऑब्जर्वेशन यू हैव रिटन. एक बार एक्सप्लेन कर दो मुझे प्रॉब्लम. इसमें जो सर ऑब्जर्वेशन है वो सर हमसे फिल नहीं हो पा रहा. उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का या किसी भी क्वेश्चन में? नहीं सर, उसी का ही है. केवल उस प्रॉब्लम में ना? यस सर. ठीक है, तो वो मैं देख के ना आपको बता दूंगा कि क्या करना है. ठीक है, क्लास के बाद आई विल टेल यू. A carpenter manufactures tables and chairs. He needs 5 hours of manual work and 2 hours of machine work to produce a chair, while he needs 2 hours of manual work and 4 hours of machine work to produce a table. Okay. He makes a profit of rupees 100 on a chair and that of rupees 150 per table. If he has 3 workers and 2 machines working 10 hours a day, how many tables and chairs should he make every day to maximize his profit? ठीक है, तो ये question है. अब इस question में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे variables क्या हैं? कौन से हमारे variables हैं? यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए, हमारे 2 variables हैं जिनको हम optimize कर रहे हैं. कौन से हैं वो? Chair, table. हाँ, नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स. ओके, सो लेट से एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स एंड वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेबल्स. ठीक है, अब हम ऑप्टिमाइज किसको कर रहे हैं? व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन? किसको कर रहे हैं? प्रॉफिट को. ठीक है ना, और वो प्रॉफिट कितना बनाता है? 100 चेयर पे बनाता है, 150 टेबल पे. तो जितनी भी चेयर बनेंगी इनटू 100 विल बी द प्रॉफिट, और जितनी भी टेबल्स बनेंगी इनटू 150 इज द प्रॉफिट. सो टोटल प्रॉफिट ये है. तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन. इसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या चाहिए होती है? हमें चाहिए कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है? उसके पास टोटल आर्स कितने हैं काम? मैनुअल वर्क कितना कर सकता है वो? 3 worker हैं और 10 घंटे काम करते हैं, तो 30 घंटे काम करते हैं. राइट, 3 workers हैं, 10 घंटे हर एक काम करता है, तो 30 घंटे टोटल काम होता है एक दिन में. राइट, तो जो टोटल एफर्ट है, ही कैन नॉट यूज मोर देन 30 hours ऑफ एफर्ट. 30 इज द लिमिट. अब मैनुअल एफर्ट कितना है? उसने एक्स चेयर्स बनाई, तो कितना एफर्ट लगता है एक चेयर में उसको? 5 hours का. तो 5 into x एफर्ट लग गया,
उसने वाई चेयर्स बनाई, उसमें उसको 2 hours का एफर्ट लगा, तो 2y. तो ये हमारा एक कंस्ट्रेंट हो गया, राइट, मैनुअल वर्क का. ये कौन सा कंस्ट्रेंट है? मैनुअल वर्क कंस्ट्रेंट. उसी तरह से एक और कंस्ट्रेंट है उसकी ऑफिस में, क्या है उसकी फैक्ट्री में कंस्ट्रेंट, कि उसके पास 2 ही मशीन है जो 10 घंटे चलती हैं, यानी 20 घंटे चलती है. तो 20 घंटे उसका कंस्ट्रेंट क्या है? मशीन का, मशीन टाइम का. और मशीन टाइम कितना लगता है 5 कुर्सियां बनाने में? 2 घंटे तो यहां लगता है, तो 2x, और 4 घंटे यहां लगता है टेबल बनाने. ये हमारे 2 कंस्ट्रेंट हो गए. और इसके अलावा भी कोई कंस्ट्रेंट है? इसके अलावा जो है ना, ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे. व्हाट आर ट्रिवियल कंस्ट्रेंट्स? जो मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाए बिना हमें पता चल जाते हैं. क्या है वो कंस्ट्रेंट्स? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ही कैन नॉट कंस्ट्रक्ट नेगेटिव टेबल्स एंड चेयर्स, राइट? वो भी पॉसिबल नहीं है, तो वो भी हमारे कंस्ट्रेंट्स. तो ये ट्रिवियल हैं ये कंस्ट्रेंट्स, इनमें कुछ मतलब कोई लॉजिक सिंपल सा है, राइट? अब हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसको प्लॉट करना है, राइट? एंड यू डोंट नीड अ ग्राफ पेपर टू डू दिस प्लॉट. ओके, ये हमारा एक्स है, ये वाई है. तो कैसे करेंगे हम प्लॉट? ठीक है, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले? एक्चुअली ये तो एक्स और वाई वाली प्लॉट्स तो हो ही गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये है, राइट? ये वाले प्लॉट्स तो सिंपल हैं. अब ये 2 करने हैं, तो कैसे करेंगे हम? पहले वाले को करके देखते हैं कैसे करेंगे प्लॉट. क्या करते हैं हम? एक्स और वाई को टेबुलेट कर लेते हैं, है ना, टू ड्रॉ द लाइन. तो क्या करते हैं, एक्स को सबसे पहले क्या करते हैं, वाई को 0 रख लेते हैं. ठीक है, तो वाई को 0 रखा, और एक्स को क्या वैल्यू आएगी जब वाई को 0 रखें? तो एक्स की वैल्यू 6 आएगी, ठीक है ना. अब उल्टा कर लो, क्योंकि वो इजी 0 वाला सबसे इजी होता है. अब हम एक्स को 0 रख लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई. तो अब देखिए कौन से पॉइंट्स में से ये लाइन जा रही है, 6, 0. तो मान लीजिए हम यहां लेते हैं 2, 4, 6, 10. तो ये एक हमें पॉइंट मिल गया, और दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे लेता हूँ 5, 10, 15. जरूरी नहीं है कि सेम स्केल यूज किया जाए. तो ये हो गया 0, 15, ये पॉइंट हमें मिल गया. वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन हियर. ओके, अब दूसरे वाले की यही लिख लेते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. तो लेट्स पुट वाई इज इक्वल टू 0, व्हाट विल वी गेट एज एक्स? वाई इज 0, एक्स वी विल गेट एज 10, राइट? Now let's put x is equal to 0, we will get y as 5. Okay. So एक point हो गया 10, this is the point I have got. Okay. The other point is this. So I need another line now to go through these 2 points. ओके, अंडरस्टूड टिल हियर? अब हमने डायरेक्शन देख लीजिए, ये लेस देन है एक्स और वाई का पॉजिटिव, तो किधर होगा ये लाइन के, इस वाली लाइन के इस साइड होगा, राइट? ये हमारा फिजिबल है. यहां पे भी लेस देन है, तो ये नीचे वाली लाइन के इस साइड है, और ये दोनों ग्रेटर देन है, तो इन लाइंस के राइट और लेफ्ट में है. यानी हमारा जो फाइनल एरिया, जो फिजिबल एरिया है, वो बस यहां तक है ये,
ये हमारा फिजिबिलिटी पॉलीगन बन गया। तो किस तरह का बना हमारा? बाउंडेड रीजन। अब क्या रह गया करने को हमें? व्हाट इज द फाइनल स्टेप नाउ? इंटरसेक्ट पॉइंट। हाँ, सारे इंटरसेक्शन पॉइंट लिखने। ये पॉइंट हमें पता है 0.5 है, ये 0.0 है, ओके, और ये है 6.0। केवल एक पॉइंट निकालना रह गया है, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। लेट्स डू दैट। सो हाउ विल वी डू? वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 2 एंड दिस बाय 5। नो, वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 2। ओके, सो 10x प्लस 4y, क्योंकि y एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप इक्वल टू लिख सकते हो आप, क्योंकि वी आर जस्ट सॉल्विंग द इक्वेशंस, एंड इसको एज इट इज लिख लेते हैं। वी सब्ट्रैक्ट, वी गेट 8x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 5, ओके, एंड y इज इक्वल टू, वी पुट इट हियर, x is equal to 5, then y is equal to 2.5, right? So this point is 5.2.5. Now what is the final step, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा? सर, x और y की वैल्यू सर z में पुट करनी है सर। हाँ, x y for fit। हाँ, तो हम x, y और z की वैल्यूज डालते जाएंगे और ये देखेंगे कि z हाईएस्ट कहां पे है, क्योंकि हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास, 0.0 है, 0.5 है और 6.0 है, एंड फाइनली 5.2.5 है, ओके। तो 0.0 पे तो z 0 है, ऑब्वियसली दैट्स द मिनिमम, काम करो ही मत, राइट। अब 0.5 पे क्या है? z, ओके। 0.5 पे यानी इज 150 इंटू 5 इज 750, 6.0 पे 600 है, और 5.2.5 पे 500 प्लस 2.5 इज 375, ठीक है। सो विच इज हाईएस्ट? दिस इज हाईएस्ट, ओके। सो 5.2.5, सो now you can write the answer in two ways. I would have given full marks for both the answers, right? One answer is he should make 5 chairs and 2.5 tables every day, okay. That is fine because he can make half the table and finish it the next day, right? So even that is okay. I think that is a enough answer. But in case, right, some you can also interpret it as ki aadha table kaise banayega, banana to pura hi padega, right? To us case mein 5 chairs and 2 tables is also okay, kyunki tabhi bhi ye maximum hi rehta hai, right? Kyunki even then the answer remains 800, which is still the highest, sir. कौन से वाला आप मुझे बताइए, कौन से? ये समझ आ गया कि x और y हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? सर, देना 5x plus 2y less than 30. ये नहीं समझ आई आपको? ये समझ आ गई z, है ना? तो अब ये कैसे? सब्जेक्टिव पार्ट सुना दीजिए सर बस, ठीक है ना। तो अब ये मैनुअल वर्क कंस्ट्रेंट क्या है? वो आदमी अपने सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, यू कांट हियर मी। अब आ रही है आवाज? अबे आपका वीडियो ऑफ हो गया बेटा।
ओके वी हैव एक्चुअली कम टू द एंड ऑफ द क्लास, लेकिन मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके वैभव हैज ड्रॉप्ड आउट फॉर सम रीजन. ओके